हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी रेसिपी जो कि सबकी फेवरेट होती है, ब्रेड ऑमलेट। देखिए कितने अच्छे ब्रेड ऑमलेट बने हैं, कितने क्रिस्पी हैं। हम इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा ब्रेड ऑमलेट है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए हम हमारी रेसिपी को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे हरा शिमला मिर्च लिया है, उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। टमाटर लिए हैं, एक मैंने टमाटर लिया है। हरी मिर्च ली है, उसे बारीक कट कर लिया है। डालडा घी लिया है 2 टेबल स्पून, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। हरा ये मैंने प्याज लिया है और ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। मैंने अंडे भी लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अंडे ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अंडा फोड़ देंगे। मैं 2 अंडे फोड़ दूंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरी मिर्च के बाद हरा शिमला मिर्च, टमाटर। अब मैं डाल दूंगी यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम अंडे को अच्छे से फेंट देंगे। अंडा हमारा फिट गया। अब हम तवे को गर्म करेंगे, उसमें ब्रेड सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम हमें रखनी है और ब्रेड अच्छे से सेक लेने हैं। दोनों साइड से हमें ब्रेड सेक लेने हैं। हम ज्यादा नहीं सेकेंगे, मीडियम फ्लेम पर कम ब्रेड सेकेंगे, आधे मतलब हमें सेकना, ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। दबाते हुए हम अच्छे से ब्रेड को सेक लेंगे। देखिए इस तरह से एक मिनट तक हमें ये सेकना है दोनों साइड पलट कर। अब हम निकाल लेंगे ब्रेड हमारे, क्योंकि सिक गए हैं। सारे ब्रेड मैं एक डिश में रख दूंगी। इसके बाद हम बनाएंगे ऑमलेट। ऑमलेट के लिए मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑमलेट। अच्छे से इसे फैला लेंगे। हमें लार्ज साइज का ऑमलेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके मिडिल में ब्रेड के स्लाइसेस हमारे फिट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने घुमाकर बड़ा ऑमलेट कर लिया। अब हम ब्रेड इसमें स्लाइसेस लगा देंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम हमें रखनी है। अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को पलट देंगे। हमें अभी भी मीडियम फ्लेम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा ऑमलेट नीचे से जल जाएगा। अब हम इसे पलट देंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको एक हाथ का सपोर्ट लगाना पड़ेगा, वरना हमारा ब्रेड और ऑमलेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस ऊपर सेट कर दूंगी। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे पलट कर दोनों साइड से अच्छे से हमारे ब्रेड को सेक लेंगे। दोनों साइड से हमें अच्छे से ब्रेड सेक लेने हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। हमारे ब्रेड ऑमलेट बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं ये, और बहुत ही जल्दी बन गए। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगे। तो आप भी इस रेसिपी को घर में बना सकते हैं। देखिए अंडे की स्टफिंग इसके अंदर कितने अच्छे से भरी हुई है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।